हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मा विकास सभा जिला मंडी का शपथ ग्रहण समारोह लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर में प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज की अध्यक्षता में विधिवत रूप से संपन्न हुआ, जिसमें जिला मंडी की नवगठित कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने प्रदेश सरकार को दो टूक शब्दों में चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार इस समुदाय की समस्याओं को लेकर अगर गंभीर नहीं होती है तो जल्द ही सभा का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलेगा। उन्होंने बताया कि आर्य समुदाय पिछड़ कर रह गया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस समुदाय को अन्य सुविधाओं की तर्ज पर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और उस सरकार के कार्यकाल में भी इस समुदाय के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बोर्ड का गठन करने के बाद भी इस समुदाय की समस्याओं को अनसुना किया और इस बात का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। उन्होंने वर्तमान सरकार को चेताया है कि वह इस समुदाय के कल्याण बोर्ड की जल्द से जल्द बैठक आयोजित करे और इस वर्ग के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए कमेटी का गठन करके राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि परशुराम भगवान की तर्ज पर राज्य सरकार से लेकर जिला स्तर पर विश्वकर्मा भगवान की सराएं और मंदिर स्थापित किए जाएं ताकि इस समुदाय के लोग भी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि सभा को मजबूत करने के लिए एक अलग से वित्त कोष स्थापित किया जाएगा, जिसमें इस वर्ग के लोगों की ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए यह सभा प्राथमिकता के आधार पर उनके काम पूरे करेगी। जिला मंडी की नवगठित कार्यकारिणी को राज्य संगठन सचिव चुनीलाल सकलानी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य मुख्य संगठन सचिव चुनीलाल सकलानी, पूर्व प्रधान बेलीराम कमेटी के चेयरमैन NR चौहान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजदीप सिंह, महासचिव महेंद्र सिंह भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। नए जो है सदस्य नहीं बने, उसके गैर सरकारी सदस्य जो है सरकार बनाती है और सरकार का ही प्रेरोगेटिव रहता है, लेकिन सभा का एक दायित्व है कि हम अपनी लिस्ट उनको सूची सौंपेंगे और उसमें अमुक अमुक व्यक्ति को जो एक हमारे मौजूद व्यक्ति है जो समाज की बात बड़े तरीके और बड़े ढंग से रख सकते हैं तो उन आदमियों के नाम की लिस्ट हम भेजेंगे और गुजारिश करेंगे प्रदेश सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हमारी सभा के माध्यम द्वारा ही गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया जाए और सरकार तुरंत जो है उसके तुरंत बाद जो है गठन के बाद जो है बैठक बुलाए और हमारे समाज के कल्याणकारी योजनाओं का जो कल्याण कार्य है उसके लिए जो सरकार जो हम उसमें सहमति दे, हमारी मांगों को जो है माने, सहायता करे, आगे मानेगा सरकार के साथ हमारा उसके साथ चलना धर्म बनता है। जो भी सरकार हमारा कार्य करेगी हम उसके साथ है, अथवा हमारी जो सभा है वो गैर राजनीतिक है, गैर धार्मिक है, हमारी कोई प्रतिबंध नहीं है, ना हम कभी किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं।